जयपुर धाम नेपाल बाय ट्रेन। प्रेम के व्लॉग्स में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। तो ये दोस्तों, आज हम जा रहे हैं, मैं और सुनील भैया जो अपने हिसार से आए थे मेरे गांव घूमने के लिए। तो आज हम जा रहे हैं नेपाल जनकपुर धाम, जहाँ पे राम और सीता का विवाह हुआ था, उस मंदिर को देखने के लिए। तो हम घर से सुबह सुबह निकल चुके हैं रेडी होके, और हमने ले ली ऑटो रिक्शा, बैटरी वाली ई रिक्शा सॉरी ले ली हमने, और यहाँ से जाएंगे पहले हम स्टेशन, और वहाँ से बाय ट्रेन हम जाएंगे नेपाल जनकपुर धाम के लिए। और एक घर के पास में ही नदी पड़ती है, कमला नदी, तो इसको क्रॉस करके स्टेशन के ऊपर जाना पड़ता है। आप सामने देख रखे हो वहाँ पे ओवर ब्रिज का मतलब पुल बनने का काम चल रहा है, कई सालों से लगभग, पता नहीं कितने सालों में जाके पूरा होगा, शायद इसको 1.5-2 साल तो हो गए मेरे ख्याल में, कई साल जो मेरे लिए तो बहुत साल हो गए इतने। तो फिलहाल अभी नदी का पानी रोक दिया गया है क्योंकि पुल का काम चल रहा है। तो इस पुल को क्रॉस करके थोड़ी दूर और चलने के बाद हम पहुँच जाएंगे स्टेशन। और दोस्तों, नदी पार करने के बाद जो नेपाल बॉर्डर के साथ जो सबसे बड़ा बाज़ार लगता है जयनगर, तो ये वो बाज़ार का एरिया है जो यहाँ का मेन बाज़ार है। यहाँ पे सिर्फ मतलब नेपाल बॉर्डर के पास इंडिया और नेपाल का ये मेन बाज़ार लगता है, जो कि लगभग काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ से होते हुए हम स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। और दोस्तों, अभी हम फिलहाल में है इंडियन स्टेशन पर, हमने एंट्री कर ली है 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ से। यहाँ पे स्टेशन को भी दो पार्टीज में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। एक तरफ है इंडियन रेलवे और दो प्लेटफॉर्म बना रखे हैं नेपाली रेलवे के, उसका पार्टीशन इन्होंने अलग दे रखा है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं नेपाली रेलवे स्टेशन पे, अपनी टिकट के लिए लाइन लगी हुई है। आपको मैं समय सारणी दिखा, ये इनके ट्रेन का चार्ट है, कौन सी ट्रेन इंडिया से किस टाइम जाती है और कितने बजे वहाँ से रिटर्न आती है, नेपाली रेलवे कंपनी लिमिटेड। तो दोस्तों, इस तरह का ये स्टेशन है। फिलहाल अभी हमारी ट्रेन हो चुकी है लेट, जिस दिन उसी दिन ट्रेन के इंजन में कोई फॉल्ट आ गया था, तो ट्रेन हमारी लेट थी। हमने 2 से 2.5 घंटे का अप्रोक्स 2.5 से 3 घंटे का हमने वेट किया, और ये वही प्लेटफॉर्म है, नेपाली प्लेटफॉर्म है ये, नेपाल का, जो ये नेपाल की ओर जाता है। तो इस तरह का वहाँ का कुछ नज़ारा है। तो दोस्तों, टाइम हो चुका है और हमने ये टिकट ले लिया है नेपाल के जनकपुर के लिए, और ये हमारी ट्रेन भी आ चुकी है। सामने आपको दिख रहा है ट्रेन आते हुए, ये हमारी ट्रेन आ चुकी है और स्टेशन पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, तो फटाफट जाके हमको सीट रोकनी पड़ेगी। ये तो हर इंडियन का अधिकार है, जाते सबसे पहले सीट की लड़ाई करता है। तो इस आप देख रहे हो कि नेपाल की जो रेलवे है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 डब्बे लगाए गए, मेट्रो टाइप में ट्रेन है, जो कि देखने में बहुत अच्छी भी लग रही है। छोटी सी ट्रेन है, 4 डब्बे इसके अंदर सारे, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो हम किसी तरह एडजस्ट करके हमको सीट मिल चुकी है, थोड़ी बहुत तू तू एम करके बहस करके हमने सीट कवर कर ली। अब यहाँ से चलते आगे, बड़ी मुश्किलों से भैया ट्रेन की भीड़ से बाहर निकले और हम निकल रहे स्टेशन से बाहर की ओर। तो अब भीड़ देख सकते हो, सारे के सारे जनकपुर धाम के लिए आए हुए हैं घूमने के लिए। तो हम निकलते रोड पे, और पैदल शायद 10 मिनट का रास्ता है, तो हमने सोचा पैदल ही चलेंगे, 10 ही मिनट का रास्ता है। तो ये है कुछ यहाँ का बाहर का नज़ारा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि सटके है बिहार से, तो कुछ ज़्यादा ऐसा अलग देखने को मिलता नहीं है। मैं और भैया अब निकल चुके हैं पैदल ही जनकपुर धाम के लिए। एक सीधी रोड मतलब मार्केट की जो मेन गली है, वो सीधा जनकपुर धाम पे लेके जाती है। तो मैंने और भैया ने सोचा क्यों ना पैदल ही जाया जाए, घूमते फिरते हम पैदल ही चले जाएंगे। तो ये वहाँ की कुछ मार्केट है नेपाल की, मेन मार्केट आपको मेरे ख्याल में तो यही मेन मार्केट, क्योंकि मेन कंडीशन के हिसाब से दिख रहा था। लेकिन मेन रोड के ऊपर भी इनकी पार्किंग की जो सुविधा आप देख सकते हो, रोड के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बाइक नहीं, सब ने पार्किंग में ही लगा रखी थी बाइक। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे देखने के लिए बहुत एक अलग चीज़ क्या मिली, यहाँ पे नॉर्मल बाइक तो किसी के पास थी नहीं, सब स्पोर्ट्स बाइक ले रखी थी, सब ने स्पोर्ट्स बाइक। दोस्तों, मंदिर के आने से पहले छोटा सा मंदिर और बना हुआ था यहाँ पे, तो हमने इसके अंदर जैसे एंट्री कर, तो सामने हमें दिखा बहुत ही बड़ा तालाब, आप देख सकते हो। यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही देखने लायक था, मतलब बहुत बढ़िया था, खुली जगह और साफ सुथरी, मतलब था देखने वाली चीज़, मतलब जो एक अलग नेचर टाइप की चीज़ थी यहाँ पे। तो हम यहाँ से हम आगे निकलते हैं और चलते हैं मंदिर की तरफ। दोस्तों, आपको जो सामने वाइट कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है, बिल्डिंग यही है राम जानकी मंदिर जनकपुर का, यहीं पे राम और सीता का विवाह हुआ था।
तो 10 मिनट के सफ़र में हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अब हम चलते हैं अंदर और आपको भी कराते हैं दर्शन। देख सकते हो दोस्तों इस तरह कुछ भव्य नज़ारा है यहाँ का, और खूब मतलब बहुत ही बड़ा मंदिर है ये, जिस तरह कोई राजा महाराजा के टाइम के जो महल हुआ करते कोई। और यहाँ पे बांस का टेंट टाइप में कुछ लगा रखा है, कोई प्रोग्राम होगा। तो अब हमने प्रसाद वगैरह ले लिया है और यहाँ पे अंदर कैमरा अलाउड, फ़ोन अलाउड नहीं था, तो वहाँ पे वीडियो और फोटो खींचने के लिए साफ मना था, तो वहाँ पे फ़ोटो वगैरह तो उन्होंने लेने नहीं दिया। लेकिन देख आप देख सकते हो अंदर का है, मंदिर के अंदर से कैसा व्यू है देखने के लिए, इतने सारे कमरे चारों साइड, और यहाँ पे एक म्यूजियम टाइप भी बना रखा है। तो अब हम जाते हैं इसके अंदर, टिकट लेते हैं इसकी और अंदर का व्यू देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या कुछ है इसके अंदर। तो हमने ये टिकट ले ली है और हम ये इसके साथ गैलरी टाइप में पैडी से बना रखा है और अंदर इनकी झांकी टाइप में बना रखी है, इनके जो सारे जो म्यूजियम टाइप में जो होता है वही बना रखा है, दर्शक को दर्शाया गया है यहाँ पे मूर्ति के रूप में। तो आप ऊपर से देख सकते हो हम फिलहाल छत के ऊपर आ रखे हैं और ऊपर से नज़ारा देख सकते हो मंदिर का, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन आगे हम जा रहे हैं, आगे एक गेट कर रखे हैं बंद, तो यहीं से हमें रिटर्न जाना पड़ेगा। ये देखो कितना गजब का नज़ारा है, अब हम आ चुके हैं नीचे, नीचे देखते हैं नीचे के म्यूजियम टाइप में जो बना रखा है यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। ये तो पूरी सुरंग से बना रखे जिस तरह हिसार के गुजरी महल की गुफा में आ गया मैं, तो देखते हैं अब यहाँ पे देखने को हमें क्या मिलता है। और ये अंदर आने के बाद यहाँ पे उस टाइम के आदमी की पता नहीं किसकी, तो इन सारे ऋषि मुनियों की फ़ोटोज वगैरह फ्रेम करके रखी हुई है, संभाल के जो रखी हुई है, उनके वस्त्र राम लक्ष्मण के, इनके जो वस्त्र थे वो सब बचपन के शायद उस टाइम, उनके जो आभूषण वगैरह वो सब अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। ये देख सकते हैं उनके जो आभूषण थे हाथ के, हाथ में बांधने वाले, पैर में बांधने वाले, उनके वस्त्र देखो किस तरह रंग बिरंगे वस्त्र, अलग अलग तरह के, अलग अलग दिन के लिए अलग अलग कलर के वस्त्र इनके निकाल के रखे हुए, सोमवार के अलग, मंगलवार के अलग, वैसे साप्ताहिक इनके वस्त्र हुआ करते। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो भजन कीर्तन हो रहा है, ये जब से चला आ रहा है, जब से यहाँ पे राम और सीता का विवाह हुआ था, अब आप सोच लो कितने हज़ार साल पहले से, लेकिन आज तक ये भजन चल रहा है यहाँ पे। आपको 24 घंटे भजन चलते हुए मिलेगा, एक सेकंड के लिए यहाँ पे ये भजन शांत नहीं होता है, मतलब यहाँ पे भजन कीर्तन होता ही रहता है, धरती पलट जाए सब कुछ हो जाए, लेकिन यहाँ का ये जो भजन नहीं रुकने वाला। उसके बाद में साथ में एक पार्क टाइप में, आप जो सामने मंदिर टाइप में देख रहे हो यहाँ पे ये बना रखा है क्या, जहाँ पे राम और सीता के जो फेरे हुए थे, जो मंडप राम और सीता का मंडप यहाँ पे बनाया गया है। तो आप देख सकते हो दूर से कितना अमेजिंग लग रहा है, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो चलते हैं पास और देखते हैं कैसा क्या कुछ नज़ारा है। तो दोस्तों ये वो मंडप है यहाँ पे, इसके चारों तरफ, इसके अंदर ही फ़ोटो, फ़ोन अलाउड नहीं था। ये देखो उस टाइम में जो शादी के टाइम में जो जो वहाँ पे मौजूद थे उन सब की प्रतिमा वहाँ पे बिठाई गई है, और सामने से देखने में साक्षात ऐसा लगता है जैसे वो कोई मूर्ति नहीं, रियलिटी में कोई वहाँ पर बैठ कर आज के टाइम पर वहाँ पर बैठा है। और बस यहाँ का थोड़ा अनुभव अलग ही था, बहुत ज़्यादा अलग था, क्यों जब हम शीशे के अंदर झांक रहे थे वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं लग रही थी, ऐसे लग रहा था रियलिटी में कोई वहाँ पे आदमी बैठा हुआ है, जो भी था। लेकिन यहाँ का भी नज़ारा बहुत
कमाल का था। ये चारों कोने पे स्तंभ से बनाए हुए हैं। यहाँ पे पिलर के ऊपर हर देवी देवता की मूर्तियाँ बनी हुई है, साक्षी जिसे कहा, मतलब इनके साक्षी के ऊपर कराया जाता है। तो ये यहाँ के कुछ ऐसे दर्शन थे। तो यहाँ से अब हम आ चुके हैं रिटर्न और हमने पकड़ लिया ट्रेन, आपको दिखाते हैं दोबारा नेपाली ट्रेन ही वापस जयनगर आने के लिए। ये देखो कितनी कमाल की लग रही है इनकी ट्रेन, चार डब्बे की ट्रेन है लेकिन अलग है, देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। दोस्तों आपको एक फ़ोटो आपके सामने लाने वाला हूँ मैं। मुझे तो सुनने में ऐसा आया है कि जो रेलवे का जो पूरा खर्चा है मोदी सरकार द्वारा बनाया गया, मतलब इसका जितना भी बजट है इंडियन गवर्नमेंट ने दिया जनकपुर धाम तक का ट्रैवल का पूरा रेलवे का। आप इसे पढ़ के मुझे बताएं सही है कि गलत है। और ये हमारी ट्रेन जयनगर आ चुकी है और बड़ी मुश्किलों से भैया धक्का मुक्की करते हुए बाहर निकले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।